देखिए अभी कल की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 12 मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, इन्हें मिलाकर अभी 75 लोग अभी पॉजिटिव इंदौर ज़िले में आ चुके हैं। जहाँ तक मृत्यु का सवाल है तो पहले 3 मृत्यु थी और आज प्रातः एक 65 वर्षीय महिला की मृत्यु के बाद ये टोल अब 4 तक पहुँच गया है। निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है और स्वास्थ्य विभाग इसमें क्वारंटाइन और आइसोलेशन दोनों में पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने बेड तैयार करके रखे हुए हैं और जो स्ट्रेटेजी वो इस तरह से है कि जो मरीज प्रभावित हैं और पॉजिटिव उनका रिपोर्ट आई थी उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को हमने चिन्हित किया था और उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा था। जिनके परिवार में इतना स्थान नहीं था कि उन्हें होम क्वारंटाइन किया जा सके उन्हें हमने संस्थागत क्वारंटाइन कराया था और ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी अगर सिम्टम्स पाए गए थे तो हमने उनकी जांच कराई थी और अधिकांश कल से और 2 दिन से जो रिपोर्ट आ रही है और आज भी जो रिपोर्ट आई अधिकांश मरीज इसमें प्राइमरी कॉन्टैक्ट के ही आए हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो मरीज उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा संक्रमित किए गए हैं। ये लोग क्वारंटाइन में थे और क्वारंटाइन से ही इनकी सैंपलिंग की गई थी।